संडे। जी हाँ, एक तरह हॉलिडे की शुरुआत, एक तरह अगले हफ्ते का इंतजार। जी हाँ, संडे वाले दिन। आइए जानते हैं सबसे पहले वेदर रिपोर्ट और उसके बाद हमारे अपने पवन गुप्ता के साथ आज का राशिफल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो पवन। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिसमें हम बात करते हैं आपकी राशियों की। कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए, करेंगे चर्चा इसके ऊपर। उससे पहले शुरुआत करते हैं आज के पंचांग की। आज 16 अगस्त दिन रविवार का है और कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि रहेगी। नक्षत्र जो है वो आद्रा नक्षत्र रहेगा 11:33 तक, और श्रावण मास का महीना चल रहा है। राहु काल का समय जो है वो आज शाम के 4:04 से लेके 5:26 तक जो है वो रहेगा। आइए हम बात करते हैं आज की राशियों की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष यानी कि एरिस राशि से। 3 ग्रहों की युति दित्य भाव में बनी हुई है। समय आज बहुत ही अच्छा जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। पिता के साथ भी किसी न किसी प्रकार की अनबन आज हो सकती है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। छोटे भाई बहनों से भी और छोटी मोटी यात्राएं भी आज हो सकती हैं जो कि बहुत ही आपके लिए लाभदायक नहीं रहेंगी। भाई बहनों से जरूर आप संबंध मधुर बना के रखें, नहीं तो चिंता का विषय हो सकता है। आगे हम बात करते हैं टॉरस यानी कि वृष राशि की। 3 ग्रहों की युति ही द्वितीय भाव में बनी हुई है। थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि पति पत्नी और माता के संबंध में हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, तो आज सास बहू में झगड़ा होने के भी जो योग बनते दिखाई दे रहे हैं। परिवार में किसी न किसी प्रकार की उलझन आज हो सकती है, परेशानी हो सकती है, थोड़ा इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोनों के रिलेशन को कैसे मेंटेन करना है ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। भाग्य आपका साथ देने वाला होगा। कार्य क्षेत्र की बात करूं तो कार्य बहुत ही आपके लिए शुभ रहेंगे। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी समय बहुत ही जो है आज के लिए शुभ रहेगा। आगे बात करते हैं मिथुन यानी कि जेमिनाई की। 3 ग्रहों की युति लगन में पड़ी हुई है। स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी हुई है। स्वास्थ्य साथ देने वाला जो है वो नहीं है। जैसे मैंने आगे भी कहा है, थोड़ा ड्राइविंग का जरूर ध्यान रखें। किसी न किसी प्रकार की पाँव में चोट लगने के योग हो सकते हैं, दुर्घटना का विषय भी हो सकता है। इस बात का थोड़ा सा जरूर ध्यान देने की आपको जरूरत रहेगी। आर्थिक स्थिति की अगर बात करूं तो आर्थिक स्थिति के लिए समय थोड़ा शुभ हो सकता है। जो लोग पुलिस क्षेत्र में हैं या जो लोग आर्मी के कार्य में हैं, वो उनको किसी न किसी प्रकार का मान सम्मान भी आज मिलने के योग हो सकते हैं। आगे बात करते हैं कर्क यानी कि कैंसर राशि की। 3 ग्रहों की युति आज द्वादश भाव में बनी हुई है। चिंता का विषय तो बना ही हुआ है कुछ दिनों से। अब क्या करना है, क्योंकि हम कई बार बहुत सी चीजों की प्लानिंग कर लेते हैं, बहुत सी चीजों को एक साथ सोच लेते हैं कि आज ये करेंगे वो करेंगे, पर अगर कोशिश करें किसी भी कार्य को एक एक करके करने की तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो चिंता का विषय आज मन में भय बना हुआ है और नुकसान भी आज आपको किसी प्रकार का जरूर हो सकता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। गुस्से पे कंट्रोल रखें, नहीं तो किसी वाद विवाद में उलझ सकते हैं। पुलिस केस या किसी कोर्ट कचहरी का चक्कर भी हो सकता है। आगे हम बात करते हैं सिंह यानी कि लियो राशि की। 3 ग्रहों की युति राहु चंद्र शुक्र की और ये आपके एकादश भाव में। किसी ना किसी प्रकार का लाभ अचानक होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। लाभ धन का भी हो सकता है, या कोई कार्य आपका अटका हुआ था, या कोई पुराना कार्य बहुत देर से पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो भी आज पूर्ण हो सकता है। कोशिश करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। शत्रु आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। कोई कोर्ट कचहरी का अगर केस चल रहा है तो उसमें भी आपको विजय जरूर प्राप्त हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं कन्या यानी कि वर्गो राशि की। 3 ग्रहों की युति एक दशम भाव में बहुत ही शुभ समय है आपके लिए। जो लोग जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग प्रमोशन के लिए, समय बहुत ही अच्छा है और आज कहीं ना कहीं आपका स्थान परिवर्तन के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है जॉब के विषय में स्थान परिवर्तन हो सकता है किसी घर का स्थान परिवर्तन हो, तो जो आपके लिए शुभकारी रहेगा। समय बहुत अच्छा है, जितना आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं उतना आपको करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं तुला यानी कि लिब्रा राशि की। भाग्यस्थान में 3 ग्रहों की युति भाग्य किसी न किसी प्रकार में एक प्रकार की अड़चन जरूर कर सकता है किसी कार्य को लेके। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारा ये कार्य पूर्ण हो ही जाएगा, बिल्कुल जब 99.9% हमारा कार्य बन जाता तो 0.01% वो किसी न किसी प्रकार की अड़चन उसमें आ जाती है। तो जब तक कार्य पूर्ण ना हो तो खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो काम में अड़चने भी आपकी आ सकती हैं, तो इस बात का थोड़ा सा जरूर ध्यान देने की जरूरत है। अपने भेद किसी को ना बताएं जब तक आपका कार्य पूर्ण ना हो जाए। आगे हम बात करते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि की। 3 ग्रहों की युति अष्टम भाव में
गलत प्रकार से पैसा कमाने की अगर आप सोचेंगे या कुछ गलत कार्य करेंगे तो उसका आपको भुगतान बहुत ही ज्यादा भुगतना पड़ेगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और पति पत्नी की सेहत को लेके भी आज काफी चिंता हो सकती है, बैक पेन, कमर दर्द उनको काफी हो सकती है, तो इसका थोड़ा सा जरूर ध्यान दें। झुककर काम करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कार्य अगर आप झुक के करने जा रहे हैं तो जरूर थोड़ा सा ध्यान से करें, नहीं तो आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। दूर देश की यात्रा के लिए समय बहुत ही शुभ है, अगर आप विदेश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस राशि की। तीन ग्रहों की युति सप्तम भाव में और सूर्य बुध अष्टम भाव में, कुछ पति पत्नी को लेकर मन मुटाव, मन में चिंता, कला क्लेश जो है वो बना हुआ है, वो थोड़ा सा आपस में अगर मिल बैठ के बात करें और सुलझाने की कोशिश करें तो किसी भी विषय को सुलझाया जा सकता है। बट अपनी ईगो को छोड़कर अगर हम बातचीत करेंगे तो हमें उसके परिणाम जो है वो शुभ ही प्राप्त होंगे। आगे हम बात करते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि की। सूर्य बुध सप्तम भाव में और तीन ग्रहों की युति चंद्र शुक्र और राहु की छठे भाव में बनी हुई है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग रिसर्च में हैं और रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, और किसी शुभ कार्य में भी आपको आज जो है वो अच्छा परिणाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई काम पेंडिंग पड़ा हुआ था पुराना, अगर आप उसको पूर्ण करना चाहते हैं तो वो भी आज किया जा सकता है। और सबसे बड़ी जो बात है, जो लोग स्पिरिचुअल अपने आप को ग्रोथ करना चाहते हैं तो उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। मेडिटेशन करें, भगवान का नाम लें तो आपको बहुत ही ये फायदेमंद रहेगा। आगे हम बात करते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि की। तीन ग्रहों की युति पंचम भाव में और सूर्य बुध जो है छठे भाव में, समय जो है वो बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। हर कार्य में अड़चन और कार्य क्षेत्र में भी बॉस के साथ मनमुटाव, सहयोगियों के साथ किसी न किसी प्रकार का मनमुटाव हो सकता है, जिसके कारण आपको जो कार्य में डिमोशंस के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा वाणी पे कंट्रोल जरूर रखें, तभी कार्य में सफलता मिलने के जो है वो आसार हो सकते हैं। खर्चों पे नियंत्रण रखने की जरूरत है, नहीं तो किसी प्रकार के फालतू खर्चे जो है वो आपके हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं मीन यानी कि पाइसिस राशि की। लग्न में मंगल और तीन ग्रहों की युति चंद्र शुक्र राहु आपके चतुर्भाव में पड़े हुए हैं। माता की सेहत को लेकर थोड़ी सी परेशानी जरूर हो सकती है। अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो आज थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि समय ये अच्छा नहीं है। प्रॉपर्टी में या शेयर मार्केट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए शुभ नहीं है अभी। कार्य के लिए ये समय आपके लिए शुभ हो सकता है, जो लोग जॉब में है या जो करियर के लिए ये समय जो है वो बहुत ही अच्छा है। करियर में किसी न किसी प्रकार की पदोन्नति भी आपको मिल सकती है, और आपके बड़े सहयोगियों से, बड़े अधिकारियों से मिलके और उनसे अच्छे संबंधों के कारण भी आपको किसी न किसी प्रकार का आज मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। तो कल फिर मिलेंगे आपकी राशियों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।